हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, घर में सब सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आज आप सबको मैं बताऊंगा जो गमले की मिट्टी होती है वो कैसे तैयार करें आप घर पर ही। सबसे ही इजी तरीका बताऊंगा आपको मैं। सबसे पहले आपने कोई सी भी कंपोस्ट लेनी है, डी कंपोस्ट होनी चाहिए पूरी फुल। वो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो, कोकोपीट भी ले सकते हो, और गाय का गोबर पूरा डी कंपोस्ट होना चाहिए वो भी ले सकते हो। उसकी पहचान ये होती है, जैसे देख सकते हैं ये मेरी मुट्ठी में है, ये कभी भी हाथों में चिपकता नहीं है ये, और भुरभुरा हो जाता है ये। अगर आप कभी भी कच्ची कंपोस्ट लोगे तो वो आपके पौधों को नुकसान ही करेगी। और आपने हमेशा 20% कंपोस्ट लेनी है और 80% आपने मिट्टी लेनी है। और जब भी आपने मिट्टी लेनी है तो हमेशा भुरभुरी मिट्टी लेनी है आपने। आप रिवर्स के पास जो मिट्टी होती है वो ले सकते हो, या जो आपके आसपास खेत होते हैं उसकी मिट्टी ले सकते हो आप, या आप भालू मिट्टी भी ले सकते हो। ये मेरे पास भालू मिट्टी है, जौन सी है ये, खेत की मिट्टी है ये। थोड़ा हमने इसमें रेत भी मिक्स करा है, ये 5% या 10% हमने इसमें रेत मिक्स कराया है, थोड़ा मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए। और इससे जो आपका रूट बॉल होता है, रूट बॉल बहुत अच्छी तरह फैलता है। देख सकते हैं आप हमारी मिट्टी कितनी भुरभुरी है ये, और इसमें और भुरभुरा ज़्यादापन आ जाएगा, थोड़ा रेत और मिल जाएगा, तो जो आपका रूट बॉल होता है पौधों का वो जितना ज़्यादा ज़मीन में अच्छी तरह फैलेगा उतनी अच्छी डेवलप होएगी उसकी रूट, और उतनी अच्छी हेल्थ होगी पौधे की। और पौधे की जितनी अच्छी हेल्थ होएगी और उतनी अच्छी उसमें फ्लावरिंग होएगी और उतनी अच्छी उसकी फ्रूटिंग होएगी। तो आपने ऐसे इसका रेशियो रखना है, 20% आपने कंपोस्ट लेनी है और 80% आपने मिट्टी लेनी है, इसका यही रेशियो रहेगा, सबसे बेस्ट रेशियो होता है ये। और आपने इसमें कुछ हल्दी भी मिला सकते हैं, 2 या 3 चम्मच। इससे ये होता है जो आपके फंगस की प्रॉब्लम आती है और कीड़ों की प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये कुछ मेरे पास राख है, आप राख का भी यूज़ कर सकते हो, 2 या 3 मुट्ठी। अगर आपके पास राख ना हो तो आप नीम खली का भी यूज़ कर सकते हो, नीम खली भी यही काम करती है जो राख कम करती है। और जैसे अब मैं मिट्टी को मिक्सर करूँगा, आपने भी ऐसे मिक्स करना है मिट्टी को, ये देखिए जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ आप भी ऐसे से मिक्स करना है। मिक्स करते टाइम इसमें याद रखना है जितने भी ये मोटे मोटे पत्थर होते हैं इसके इसके आपने दूर कर देने हैं, और इसमें अच्छी तरह मिक्स करना है, ऐसे अच्छी तरह इसमें जैसे है कंपोस्ट और मिट्टी मिक्स हो जाए इसकी। जितनी अच्छी तरह इसकी मिट्टी और कंपोस्ट मिक्स होएगी उतनी अच्छी इसकी रूट बॉल फैलेगा मिट्टी का, और उतनी अच्छे मिट्टी में पोषक तत्व होएंगे। जितने भी इसमें अंकड़ होते हैं, कुछ पत्थर वत्थर होते हैं, आपने सब निकाल देने हैं जितने भी होते हैं, और जो बड़े बड़े हैं उन्हें तोड़ देना है, या आपने बाद में रख के आपने उसे सही करके इसमें डाल सकते हो, तोड़ तोड़ के, या उसे फेंक देना है आपने, यूज़ नहीं करना उसका फिर। ये मैं कर लेता हूँ अपना इसे मिक्सर अच्छी तरह, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। ये जैसे देख सकते हैं मेरे पास हल्दी है, और तो आपने हल्दी भी इसमें डाल देनी है। हल्दी डालने के बाद आप मिक्स कर सकते हो उसे, जैसे मैं मिक्स कर रहा हूँ आप मिक्स कर सकते हो, या आप किसी टूल का होता है या किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आप अपने हाथों में ग्लव्स भी पहन सकते हो, ग्लव्स से आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। मिट्टी में कुछ थोड़े छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो हाथों में लग जाते हैं आपके, उससे आपकी सेफ्टी रहेगी। अगर आपने ये सब नहीं करना तो आप नर्सरी से बाय भी कर सकते हो, आपको नर्सरी से मिट्टी मिलती है पूरी अच्छी तैयार हुई भी, मगर जो घर की मिट्टी होती है आपको उस पर खुद पर यकीन होता है, जो नर्सरी वाले होते हैं उसका पता नहीं होता उन्होंने कितना परसेंट इसमें रेशियो रखा है कंपोस्ट का, कईयों ने कंपोस्ट यूज़ भी नहीं करी होती उसमें मिट्टी में। इससे आपके जो पौधा होता है तो आपका सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत से आपके पौधों में फंगस की, कीड़ों की, या उसमें फ्लावरिंग नहीं होती तो उससे ये प्रॉब्लम आती है। ये जो हमारी राख है, ये राख हमने ये खट्टी कर रखी थी, आप जला के किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ये लकड़ की राख है जो हमारे पास है। ये आपने भी ऐसी राख डाल लेनी है 2 या 3 मुट्ठी, इससे जो फ्लावरिंग में दिक्कत होती है वो दिक्कत नहीं होने की, जो फूल गिरते हैं पौधों के वो फूल नहीं गिरने के पौधे के। ये हमने अच्छी तरह मिक्स कर ली है मिट्टी, आपने भी ऐसी मिक्स कर लेनी है जैसे हमने मिक्स करी है मिट्टी इसकी, है पूरी नीचे तक आपने पूरी मिट्टी इसकी मिक्स होनी चाहिए, कोई भी पार्ट रहना नहीं चाहिए मिट्टी का। ये आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये हमारी मिट्टी पूरी तैयार हो चुकी है। वैसे ये गमले में डालने के लिए तैयार हो चुकी है। ये सबसे पहले आपने एक गमला ले लेना है,
गमले में डालने से पहले आपने गमले में होल कर लेने हैं। जैसे ये मेरे छोटे छोटे छेद है नीचे की तरफ, आप भी कर सकते हो इसमें होल। इससे ये फायदा होता है, जो मिट्टी में आप पानी डालते हो हाथों हाथ निकल जाता है, ये उसका ये फायदा होता है। तो चलिए बताता हूँ आपको मैं कैसे करना है। ये जो हमारा गमला है आपने इसमें छेद कर लिए। गमले में छेद करने के बाद आपके पास ये हमारे पास जो है पत्ते हैं, ये सूखे पत्ते हैं। ये आपके पास कुछ भी चीज़ होनी चाहिए जो गमलों में आपने सबसे पहले उसके बेस में डालनी है, जो सबसे स्टार्टिंग में आपने हम सूखे पत्ते डालेंगे। आप पत्थर भी डाल सकते हो, छोटे छोटे बजरी भी डाल सकते हो, या कोई टूटा हुआ गमला हो उसके पार्ट भी डाल सकते हो। तो हम इसमें जो सूखी पत्ती होती है वो डालेंगे हम। जैसे देख सकते हैं हमारे पास ये सूखी पत्ती है, हम दो या तीन इसमें मुट्ठी डालेंगे। जो आप पानी डालते हो पानी के साथ इसमें मिट्टी बाहर ना निकले, इससे ये फायदा होता है। तो जैसे हमने डाल लिया इसमें पत्ते, तो उसके बाद आप इसमें दो तीन मुट्ठी भर के उसमें वो डाल दीजिए मिट्टी। जैसे हमने मिट्टी डाली आपने भी ऐसे डालनी है इसमें, जितनी इसमें मिट्टी आ सकती है उतनी मिट्टी आपने डालनी है गमले में। ये जैसे जैसे आप देख सकते हैं हमारा गमला फुल हो चुका है। ये इसे हल्का सा हिला लेना। गमले में जब मिट्टी डाल देते हैं उसमें आपने फुल वाटरिंग कर देनी है। ये आपने पौधा लगाना है तो उसमें पौधा लगाने के बाद फुल वाटरिंग कर सकते हैं ये। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।